गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ों को पैरी पाना, छोटों को हलो। आपके सामने पेश है महिंद्रा का एक दमदार ट्रैक्टर, महिंद्रा 585 DiXV प्लस। हम इस ट्रैक्टर की आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताने जा रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, वीडियो पे अंत तक बने रहें, थोड़ा भी स्किप मत करें। हम इस ट्रैक्टर के बड़े चेंजमेंट बताने जा रहे हैं जो अभी 2023 में हाल ही में हुए हैं। तो चलो सबसे पहले इस ट्रैक्टर के इंजन से बात करते हैं। ये ट्रैक्टर आपको 4 सिलेंडर बॉस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ मिलता है, जो आपको 3084 cc के इंजन के साथ आता है, जो आपको 49 HP की पावर देता है। वहीं इस ट्रैक्टर में जो अभी हाल फिलहाल में ही चेंज दिख रहा है, वो यहाँ सिंगल डीजल फिल्टर का चेंज दिख रहा है। इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल डीजल फिल्टर कंपनी ऑफर करने लगी है, जिसका 350 घंटे का सर्विस अंतराल है। इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स कूलेंट ओवरफ्लो वाली कूलिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी हैवी ड्यूटी कूलिंग है। इस ट्रैक्टर में आपको बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है, वहीं काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट नॉन एडजस्टेबल एक्सल देखने को मिल जाता है। वही अगला 750/16 का बड़ा टायर और साइड माउंटेड आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के ये स्टार्टर मोटर में काफ़ी बड़ा चेंज किया है, ये 1465 सीरीज वाला आपको स्टार्टर मोटर दी जाती है इस ट्रैक्टर में, जो पहले काफ़ी बड़ी आ रही थी उसको छोटा कर दिया गया है। जो 2.25 kW की ये आपकी है मोटर। वहीं इस ट्रैक्टर की अगर डीजल टंकी की बात करें तो 48 लीटर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है, डुअल क्लच और सिंगल क्लच का ऑप्शन आता है। वहीं इस ट्रैक्टर की अगर फ्रंट में बात करें तो हैलोजन टाइप बल्ब के साथ साइड माउंटेड आपको लाइट देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में 2-स्टेज ऑयल टाइप एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। वहीं 32 लीटर प्रति मिनट ऑयल फ्लो वाला हाइड्रोलिक प्लस पावर स्टीयरिंग पंप देखने को मिल जाता है, जो आपको हाइड्रोलिक फिल्टर के साथ देखने को मिल जाता है। एक सिंगल इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। वहीं फ्रंट एक्सल सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। साइड माउंटेड 85 एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको OIB ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी पकड़ और काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग देते हैं ट्रैक्टर को। साइड प्रोफाइल मिरर देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। वहीं मडगार्ड पे आपको CRPTU की और डुअल क्लच की बैजिंग देखने को मिल जाती है। वहीं साइड में AC/DC लीवर और डिस्ट्रीब्यूटर की डंडी मिल जाती है, जो आपको ऑक्सिलरी वाल्व बोलते हैं उसकी डंडी मिल जाती है। वहीं बैक साइड से बात करें, इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी हाई लिफ्ट और 1850 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और 2-स्टेज ADDC टॉपलिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें सिंगल है टॉपलिंग पॉइंट, इसमें ऑप्शनल आता है डुगल भी मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको 44.9 HP की PTO पावर मिलती है, जो 540 और CRPTO के साथ आता है। पूरा तेल में डूबा हुआ रेयर एक्सल आता है इस ट्रैक्टर में। बैक में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और रात को कार करने के लिए लाइट। इस ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। ये ट्रैक्टर आपको 8+2 गियर के साथ मिल जाता है, जो आपको सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर के अगर अदर फीचर्स की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको ये देखिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी ज़बरदस्त फिटिंग की गई है और यहाँ से ये ऑपरेट होता है, इससे यहाँ डंडी लगी है, बिल्कुल ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस ट्रैक्टर में आपको डिजिटल और एनालॉग टाइप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ लाइट के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। 14x28 का रेयर टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।